गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपको हिंदी में सभी सब्जेक्ट बना देना है, मैंने जितने चैप्टर है वो सब बना देना है हिंदी में। बात समझ रहे हैं ना, मैंने जो भी पाठ पढ़ाई हुई है उसको, मैंने उसमें व्याकरण चैप्टर रहता है तो व्याकरण चैप्टर भी बनवाना है, उसको भी बना देना है। और आपका हिंदी जो है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो कुछ रचनात्मक कार्य है तो आप रचनात्मक कार्य को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है, टोटल आपको बना देना है। समझ गए, तब होगा। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, क्लास 3 का, कक्षा 3 का पार्ट संख्या 5 पढ़ेंगे। कविता है प्यारी कोयल। कविता का क्या नाम है? प्यारी कोयल। क्या कहता है प्यारी कोयल में भाई, सो देखिए। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल काली है लेकिन इसकी बोली क्या है? इसकी बोली बहुत मीठी है ना। कहता है कि काली है लेकिन उसकी बोली बहुत मीठी है। कोयल होता ही है वो बोली मीठी है ना। कौन नहीं चाहता है कि कोयल की कुहू कुहू की आवाज़ सुने। इसने ही तो कुकू कर आमों में मिश्री घोली। मैंने कुकू कर प्रत्येक आम में, आम आप खाते हैं कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो उसमें मिश्री, मिश्री जानते हैं, एक चीनी का ढेरा जैसा एक होता है मिश्री, आप देखे होंगे। अब तो काटा हुआ मिश्री मिलता है लेकिन मिश्री का ढेला मीठा लगता है। जिस तरह चीनी लगता है वैसा ही मीठा लगता है मिश्री। अब पूरा लगता है कि चीनी यक्के में जमा कर दिया कि तो हो गया मिश्री है ना। तो मिश्री कहता है कि मिश्री घुली हुई है किसमें? आम में। कौन घोलता है? कोयल। क्या कह करके? कुहू कुहू कर कर करके, या कुक कुक कर कर करके है ना। तो अब इसको पढ़ेंगे लय से कैसे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इतने ही तो कुकू कर आमों में मिश्री घोली। याद कर लेना है। फिर आगे कहता है, कोयल कोयल सच बताओ क्या संदेश लाई हो। बच्चे पूछते हैं कि है कोयल तुम बताओ कुछ संदेश। संदेश बने, संदेश कहने का मतलब समाचार है ना। समाचार, क्या समाचार लाई है कोयल तुम बताओ। बहुत दिनों के बाद आज, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। हाँ, बहुत दिनों के बाद ऐबे करती है कोयल। कितने साल भर के बाद? कब? जब बसंत ऋतु आती है तब कोयल आती है ना। किस ऋतु में आती है? बसंत ऋतु में आती है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आई हो है ना। कौन बहुत दिनों के बाद आई है? कोयल। किस पर आई है? डाली पर आई है। अच्छा, क्या गाती हो किसे बुलाती बता दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। वाह, कहते हैं कि क्या तुम गाती हो और गा गा करके किसे बुलाती है कोयल रानी, तुम मुझे बता दो। क्या ऐसा तो नहीं होता है कि प्यासी धरती क्या मांग रही है? पानी मांग रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि प्यासी धरती, अभी गर्मी में बसंत ऋतु से थोड़ा सा और बीतता है तो ग्रीष्म ऋतु होता है, तो उस समय कू कू करती है बसंत ऋतु के अंत में, तो कू कू की जो आवाज़ आती है तो लगता है कि प्यासी धरती को
तुम पानी मांग रही है ना, पानी मांगती है किससे? मेघों से, मेघ माने बादल से, आकाश में बादल देखे ना, वही वर्षा कराती है ना, अधरती पृथ्वी से। कोयल यह मीठास क्या तूने अपनी माँ से पाई है, माने ही क्या तुझको मीठी बोली यह सिखलाई है। कोयल ये बताओ, तू इतनी मिठास अपने वाणी में, अपने आवाज में मिठास कहाँ से पाई? वह लगता है कि तुम अपने माँ से पाई है, क्योंकि माँ बहुत मीठी बोलती है, माँ होती ही है मीठी, है ना। बच्चे बोलते हैं कि वो मिठास किससे पाई हो? माँ से पाई हो मिठास, लगता है कि माँ से मिठास पाई हो, ठीक है ना। ये कहता है, कौन कहता है? कोयल कहता है कि यह मिठास किससे पाई हो? माँ से मिठास पाई हो। प्यारे बच्चों समझिएगा, कहता है, समझ रहे बात है? अब ये कहता है, अच्छा, माँ जो है, लगता है कि माँ है ना, माँ ही तुमको मीठी बोली बोलने के लिए सिखलाई है। कौन सिखलाई है? माँ सिखलाई है मीठी बोली बोलने के लिए, है ना। फिर आगे कहता है कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोली यह भी तुम्हें बताया है, है ना। कहाँ? डाल डाल पर, ठीक है ना। कहता है कि डाल डाल पर उड़ने का और गाना, दो चीज, डाल डाल पर उड़ना और गाना, जो भी तुम्हें सिखलाया है वही तुमको मीठी बोली बोलने के लिए भी सिखलाया है, ठीक है ना। वही मीठी बोली बोलने के लिए भी तुम्हें सिखलाया है, ठीक है ना। इस तरह से होता है, बात समझ रहे हैं? तो उड़ना और गाना सिखलाने वाला ही मीठे मीठे बोली बोलने के लिए भी बतलाया है। अच्छा, बहुत भली हो, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहती हो सब चिड़ियों की रानी। वाह, कोयल चिड़ियों की रानी है। कौन? कोयल। किसकी रानी है? चिड़ियों की रानी कही जाती है। तो कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत भली है ना, हैं, जो सदा, और तू माँ की भली है। तुम भली किसकी है? माँ की, कि तुम सदा माँ के बात को मानती आई है, है ना। इसलिए माँ की भली है, भली माने अच्छी है, माँ की अच्छी बेटी हो, माँ के अच्छे बेटे हैं, है ना, जो माँ के बात मानती आई है। और इसलिए तुमको लोग क्या कहते हैं? चिड़ियों की रानी कहते हैं। यह पाठ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, ठीक है। इसलिए इसे आपको याद रख लेना है। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, कि आप जो देख रहे हैं, देखिएगा, तो मुझे ये कहना है कि जो पाठ आपको बतलाया जा रहा है प्यारे बच्चों, इसमें आपको समझना होगा, आप देखिएगा, इसका प्रश्नोत्तर सारे मैंने प्रश्नोत्तर है उसको बना लेना है। बनाने के बाद प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे होंगे,
ये देख रहे ना, इसका माने रंगीन बना देना है ना, पूरा कलर कर देना है, और जो भी रचनात्मक कार्य है उसको भी प्यारे बच्चों आपको बना देना है, ठीक है। रचनात्मक कार्य को भी आपको बना देना है। आप ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये सब आपको कंप्लीट करके दिखाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।